तो हमें कमरी साल दिया गया, इसकी वजह मुझे समझ आई 2014 में जब मैं नॉर्वे गया, और नॉर्वे में है एंड ऑफ द वर्ल्ड, शुमाल में एंड ऑफ द वर्ल्ड नॉर्वे में है। मैं वहां गया, उस इलाके में 2 महीने सूरज निकलता नहीं और 2 महीने डूबता नहीं, तो कैलेंडर जो शमसी है वो फेल हो जाता है। रात है लेकिन सूरज निकला हुआ है, पता नहीं दिन है या रात, दिन है सूरज निकला हुआ है पता नहीं दिन है या रात है। तो कई इलाके हैं ऐसे ऊपर शुमाल में जहां सूरज का कैलेंडर फेल हो जाता है। तो 3 घंटे का ओस्लो से जहाज था, आगे 5 घंटे का मोटर का सफर था, 8-8 किलोमीटर की सुरंगें थीं, और फिर आखिरी बस्ती मच्छेरों की थी, वहां से फिर 1.25 घंटा आगे मोटर का सफर था। तो जब हम वहां पहुंचे तो वो जून जुलाई सूरज डूबता नहीं, 1 अगस्त को डूबना शुरू करता है, और हम 4 अगस्त को पहुंचे, और शुरू में बस 1 तारीख को ऐसे डूबता है ऐसे निकल आता है, फिर 2 को थोड़ा सा वक्फा करता है, 3 को थोड़ा सा वक्फा करता है, 4 अगस्त को 20 मिनट की रात थी, चूंकि मैं 4 अगस्त को गया मुझे याद है, 4 अगस्त को 20 मिनट की रात थी। और हम वहां पहुंचे तो अभी हमने मगरब भी पढ़नी थी, ईशा भी पढ़नी थी, और सूर्य निकलने से पहले फजर भी पढ़नी थी। तो ये एक अनोखा वाक्य मेरे साथ आया है, जो शायद ही किसी और के साथ पेश आया हो, या मेरे साथ जो साथी थे। वहाँ मैं भागा और रेलिंग थी उसके साथ खड़े होकर मैंने अजान दी। मुझे अल्लाह की मखलूक को 2 दफ़ा देख के हैबत तारी हुई, एक माउंट एवरेस्ट को देखा जब वो पूरी तरह नंगा था, चोटी खाली थी, देखकर मैं बिल्कुल गुम हो गया, जिसके कील इतने बड़े हों वो अल्लाह कितना बड़ा होगा। और एक वो जब मैं एंड ऑफ द वर्ल्ड पर पहुंचा तो उसका वो मंजर देख के मैं गुम हो गया। मैंने अजान दी, ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने किबला देखना चाहा तो चांद सामने चमक रहा था, सूरज फेल हो गया था, चांद चमक रहा था। तो आज समझ में आया कि अल्लाह ने हमें चांद का कैलेंडर क्यों दिया है, कि मेरा नबी सारे जमाने का नबी है, जहां सूरज नहीं निकलता और जहां सूरज कई महीने नहीं डूबता, अगर वहां कोई मुसलमान है तो दिन रात का हिसाब कैसे लगाएंगे, चांद को देखकर। मैंने चांद देखा, वाह वाह अभी रात खड़ी है। तो वो किबला फिट किया, मगरिब की नमाज पढ़ी, मगरिब इशा इकट्ठी पढ़ना तो मुसाफिर के लिए जायज है बाकी आइम्मा के नजदीक। तो पहले मगरिब पढ़ी, फिर इशा पढ़ी, फिर साथ ही मैंने फजर की अजान दी। हाँ, इशा पढ़ी, एक वितर पढ़ना भी सुन्नत है, तो मैंने कहा आज हिको वितर पढ़ो, कदा फर्ज ना निकल जावे। तो एक वितर पढ़ा, फिर मैंने फजर की अजान दी, टक 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 2 सुनतें पढ़ी, फिर वल असर इन्ना आतैना से मैंने फर्ज नमाज पढ़ाई, और बैठे ही थे कि सूरज आके अस्सलाम अलैकुम। तो वहां जाके मुझे ये बात समझ में आई कि अल्लाह ने हमें चांद का कैलेंडर क्यों दिया है, ये कहीं भी नाकाम नहीं होता, कहीं फ्लॉप नहीं होता। सूरज का कैलेंडर कितनी जगह हैं दुनिया में जहां फ्लॉप हो जाता है, नाकाम हो जाता है। तो ये हमारे नबी की आलमी नबूवत की एक दलील चांद का निज़ाम है, शमसी भी है। तो भाइयों, मैं बहुत सारी बातें वक्त के मुतालिक बता गया, कहना तो ये था कि हिंसा बदला है तो अपने आप को भी बदलें, तौबा करें अपने रब की बारगाह में, और गुनाहों से तौबा करें। पता नहीं कब आसिम की तरह किसको मौत उठा के ले जाए, तो न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, तो क्या क्या करेगी खड़ी दिन के दिन, न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, पता नहीं कब मौत का डंका बज जाए। तो भाइयों, उससे पहले तौबा करो, अपने रब की बारगाह में झुको, फ़राइज अदा करो, 5 नमाजें पूरी पढ़ो, झूठ ना बोलो, सच बोलो, धोखा ना दो, दयानंदारी से चलो, बदकारी ना करो, निकाह करो।
नशे ना करो, हलाल पियो, हलाल खाओ, हराम ना कमाओ, हलाल कमाओ। माँ बाप जिंदा हैं तो उनके आगे उफ भी ना करो। बीवी बच्चों से हुस्न सलूक रखो, रोब जमाना नहीं। माँ बाप से कहता हूँ, औलाद की इज्जत करो, औलाद को इज्जत दो, उन्हें डांट डपड़ से ना चलाओ, प्यार से चलाओ। औलाद से कहता हूँ, माँ बाप के आगे उफ भी ना करो कि वो तुम्हारी जन्नत हैं, वो तुम्हारी जन्नत के दरवाजे हैं। और अपनी कमाइयों में हलाल रखो। एक दूसरे से लड़े हुए हो तो सुलह कर लो कि अल्लाह पाक को आपस का लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। और अब ये सियासत का बाजार गर्म हो रहा है, ये निरी मुनाफ़त है, मुनाफ़त के सिवा कुछ नहीं है, इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। और अगर कहीं कोई सियासत का किसी को शौक है तो फिर अपने मुखालिफ की बदखोई ना करे, उसकी बुराई ना करे, उसको गालियाँ ना दे, उसको बुरा भला ना कहे, वरना अपनी आखरत ख़राब करोगे। MP MN टके बिकराए हैं तो इनकी क्या हैसियत। आजकल के वजीरों को कौन पूछ, वजीर आजम को कोई नहीं पूछता, तो वजीरों को किसने पूछना। जब मैं लाहौर पढ़ता था तो मगरबी पाकिस्तान होता था एक सूबा, और उसका गवर्नर था अमीर मोहम्मद खान अकेला, और पूरे मगरबी पाकिस्तान के 11 वजीर थे। उनका रोब भी था, उनके पास पावर भी थी, उनका प्रोटोकॉल भी था, वो दयानतदार भी थे। क्या करें, अपने ऊपर ही रोएं, आंसू बहाएं। तो भाई तौबा करते हो सारे, कहो मेरे साथ, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। इंशाअल्लाह हमारी तौबा कबूल होगी, और अगर कभी टूट जाए फिर तौबा कर लेना, अल्लाह फिर माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह।